नहीं कर रहे उनका मार्केट अपलो कर रहे क्या सर? जी सर, जी क्या ऑब्जर्व किया सर। उसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है सर? मतलब स्टॉक पिकिंग कैसे हम कर रहे हैं 3G के हिसाब से, सही है? एक मेथड है जी 3P के मेथड से, हमें यस सर। वीकली स्टैक रैंकिंग के हिसाब से, सही है? वीकली स्टैक रैंकिंग, हाँ जी हम सर, सिर्फ इसको देख रहे हैं यस ना सर, जी सर। अभी अभी हम। अभी सर वीकली स्टैक रैंकिंग बनाना बताया नहीं। ए भाई वीकली का स्टैक रैंकिंग का मतलब है ये वाला है भाई, क्या कौन सा है? हाँ अच्छा, ये जो सारे टॉप गेनर निकाले जा रहे हैं 5 दिन के, टॉप गेनर और टॉप लूजर्स, जो 5 दिन के टॉप गेनर टॉप लूजर्स निकाले जा रहे उसका उसका बात कर रहा हूँ मैं, मतलब दैट इज स्टैक रैंकिंग राइट, जी सर। मैं इसका बात कर रहा हूँ। मतलब डेली में जो हुआ है इसमें 3 स्टॉक है, हर एक दिन ट्रेड मिलता है हमको, सही है? हाँ, ये है सर, वो हम समझे वीकली जो। ठीक इसी को मतलब ये वीकली स्टैक रैंकिंग है। M&M आज भी ट्रेड हुआ है सर। था, फाइन, उस पर हम आगे आएंगे उसके पहले। मतलब इतना सीख रहे हैं ना, वी आर डूइंग ऑल दिस राइट, जी सर, इसको जी आप सर। ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? क्या नहीं तो कोई फालतू तो चीजें कर रहे हो कुछ नया ढूंढने के लिए, मैं जो बता रहा हूँ उस पर काम कर रहे हो, नहीं तो आप कुछ का कुछ को डिस्कवरी मतलब इन्वेंट करने के जा रहे हो? नहीं सर, नहीं सर सर इसी एक्चुअली पे फोकस फोकस कर रहे कर, हैं, उसी को देख रहे हैं। आप बता रहे वही कर रहे सर। ऑलराइट, अगर ऐसा है तो फाइन हो जाएगा। मॉर्निंग में मैंने एक मैसेज डाला था आपको, समझ में आ गया था क्या ये? मॉर्निंग में मैं निफ्टी के ऊपर एक मैसेज डाला था ना सर, मैं जी सर, रिप्लाई किया था। जिगजैग के लिए डाला था, हाँ जिगजैग के लिए बोला था सर आपने, एटलीस्ट मैक्रो और माइक्रो में। किया। ओके ये क्या हुआ था, ऐसे हुआ था ना, ये टॉप था, ये बॉटम था, ये टॉप था, सही है? एक छोटा सा ब्लिप इधर बनाया, नहीं बनाया, इसने हायर हाई किया था, सही है? जी सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें मुझे क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाता है, सही है ना? ये तो अप ट्रेंड में है ना, जी सर, दैट मींस अगर यस क्या सर, होना चाहिए आपको पता है, सही है? इसका मतलब है मैं 5 मिनट में आ लेता हूँ, आ जाता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये इधर तक ऊपर गया था, बाद में गिरा किधर तक, इधर तक गिरा था, जी उठा था इधर तक, सही है? इधर तक उठा था, गिरा था इधर तक, सही है? हाँ यस सर, तो इसको इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जोन में जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसको देखना है ना, नहीं है वो जी कैंडल ये वाला था क्या 950? जी सर, हाँ ये वाला था क्या सर? जी सर, बाद में जब इधर से उठा था तो हाईएस्ट वॉल्यूम आया था इधर, सही ना? ये जी लेग में, जी सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर इसको गिरना है आज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गिरने का नहीं है क्योंकि ये स्ट्रांग है वीकली में। ओके अगर इसको गिरना है इसके नीचे खुलना पड़ेगा ना, नहीं तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा ये लेवल्स को, सही है ना? एक ही कैंडल में करेगा, नहीं तो इसका गैप अप खुलना चाहिए, सही है? गैप डाउन होना जी चाहिए। सर, अब ये आपको ओपन होके दिखा है क्या भाई, गैप अप ओपन हो रहा है बोल के? ओके जी सर, जी सर, बाद में आपको ये पता है कल का जो ट्रेंड है, कल का जो ट्रेंड है इसने कैसे बनाया था, इधर से इधर तक बनाया था, सही है? जी सर, जी अगर सर, बनाया तो पहला रेजिस्टेंस इसको इसने ब्रेक किया था, सही है? नहीं किया था, जी सर, जी सर, आपको दिख रहा है ना ये चीज, सही है क्या? जी सर, एक्चुअली मेरा जो मतलब ये 0 हो गया एक्सपायरी था ना, 23,400 को मैं ट्रेड किया, अच्छा कसा मिल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो चुका था मैं सोचता था कि इसके तोड़ेगा बोल के छोड़ दिया मैंने, वो 0 हो गया। मतलब दैट इज फाइन, ये समझ रहे हो ना, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? जी सर, जी सर, सर राइट, हमने जो स्टॉक्स को चुने थे M&M,
मतलब वीकली ठीक है स्टैंडर्ड सर, की में कौन सा था, अदर रिपोर्ट्स बाद में, टेकेम, यस सर, ठीक टेकेम है सही है ना। जी, थ्री बाद में ए डीवी स्लैब क्या था, व्हाट वाज इट, पी में था सर वो। डीपी में था। आपको समझ में आया क्या भाई, 3P में क्या होता है बोल के, मैं क्या बताया था क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको, समझ यस में आ सर, रहा है। 3P इधर यस बना था ना, यस सर, जी सर, 3P भी इधर बना था, तो इसका मतलब है अपट्रेंडिंग स्टॉक है तो ऊपर टूटना चाहिए, सही जी बस सर, है। इधर सपोर्ट नहीं मिला तो एग्जैक्टली यही लेवल को टकरा के आज मौका नहीं दिया, फटाक से ऊपर गया, सही है जी सर, जी क्या, विद सर, मॉर्निंग ऊपर गया है सर। यस यस सर, सर, जी ओके नाउ टेल मी, अगर कोई कारण से कल ये प्राइस में मिलता है प्राइस, ओके ये लेवल पे सपोर्ट नहीं है, जी सपोर्ट है जी सर, है सर, यस फिर सर, से ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, ओके फिर जी सर, मिलाता हूँ। जी और एक सर कोटक बैंक सही है ना, यस सर, क्या जी है, सर, ट्रिपी का यस स्टॉक है ना, सर, ना वो 3P का है सर, जी ट्रिपी का है, आपने ही देता, मैं मुझे पता नहीं है। मैं एक M&M में ट्रेड किया भाई, वो है ना 1:15, मतलब अगर रिस्क रिवॉर्ड क्या करे 1:15 के ऊपर गया, लेकिन क्या है मेरा पास तो 1 लाख ही है ना, उतना नहीं ले पाया, सिर्फ 3 रुपीज में स्टॉप लॉस मिला था। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके फाइन, 3P का मतलब है ये वाला है ना, क्या है, दिस वॉज द लेवल राइट, मतलब कौन सा था सवाल, यही था ना, जी सर, 7 और 10 का सर, यही था सही जी है, सर, वही सर, जी सर, जी सर, यही था। इसका मतलब है मतलब ये लेवल पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको दिख रहा है क्या, जी ये जी सर, लेवल पे जी सर, जो डीवी स्लैब में हुआ है ये हो सकता है कल, हायर है किया है, वॉल्यूम बढ़ा है ना, जी यस सर, आपको आपको कोई मतलब इधर उधर ये नहीं करना है, आपको एक स्टॉक है भाई, वो तो सारे चीज हम ट्रेड कर सकते सारे वीक को, सही है ना, ये वीकली में जी सर, ट्रेड चाहिए, सही है, जी किसी में स्टॉप लॉस हो सर, गया तो ट्रेड एक्स्ट्रा ये तो मिल जाएगा ना भाई, हर एक में मिल सकता है, सही है ना। यस क्या हुआ, इट ओपन समवेयर हियर, ये लेवल पे आ गया ना, देखो ये लेवल पे आ गया, यस सर, बिना वॉल्यूम जी इसको तोड़ा, बिना वॉल्यूम इसको तोड़ा, बाद में इसके लो के नीचे इसके अंदर घुसा, बाद में आपको दिख रहा है देखो ये 22 है, एग्जैक्टली 22 पे इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर घूमने का कोशिश कर रहा है, ओके इसका एंट्री मैं बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, सिंपल सिंपल है, समझ रहे ना, जी सर, डीवी स्लैब हो गया, ये हो गया, एक कौन सा है, टेक कैम का बात कर, ओके M&M का बात कर, M&M ओके M&M का बात करें सर, ये आपका कौन सा स्टॉक है सर, ये स्टैक रैंकिंग वाला है सर, वीकली वीकली वाला, स्टैक रैंकिंग पर है, डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब ये दिन पे इसने क्या बनाया था, टॉप टॉप गेनर, हायर टॉप टॉप गेनर गेनर था सर, था, टॉप टॉप गेनर से गेनर था सर, हाँ इधर बनाया था, सही है जी ना, अगर जी टॉप सर, बना है हमारा इस ओके, मतलब इसको कोई प्रैक्टिस करना है, अभी एक 1 वीक अभी खत्म हो रहा है ना, कल जी सर, कल यस सर, जी जो स्टॉक सर, मिलेगा उसको एनालिसिस करके फ्राइडे रख लेना नेक्स्ट वीक ट्रेड करने के लिए, यस सर, कोई क्लास कर नहीं करूंगा कल, ये ऊपर गया था देखो, ये इसके टूट के ऊपर निकलना चाहिए था, सही है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन है, जी सर, जी सर, नहीं हो रहा है, मतलब इधर एक रेंज बनाया इसने, सही है, मतलब जी इसको नहीं जा पाया, ये रेंज था, नेक्स्ट कैंडल ने क्या इधर एक रेंज बनाया सर, मतलब इसके जी ऊपर सर, इधर एक रेंज बनाया ना इसने, कल जी इसने इसको तोड़ा था, सही है, जी यस सर, वीकली स्ट्रॉन्ग है, हम देखते हैं, मतलब इधर मिला तो डेफिनेटली भाई है, नहीं तो ये मतलब ये हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आएगा सर, हमें कल एक चीज बताया था, ये कोई कारण से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब गिरना ही है इधर तक, किधर भी आना है ये बोला था हमने, मैंने सुनो यस सर, हाँ सर, बोला था, हाई वॉल्यूम से ब्रेक हुआ था सर, अगर नहीं आना है ना इधर, ये नाटक नहीं करेगा, ओके ये नाटक नहीं करेगा सर, जी ये ओपन होके आपको बता देगा, ये ओपन होते ही कल का हाई के ऊपर हायर हाई बना दिया, कभी यस सर, यस भी मार्केट नहीं ना, हु कैन गो रॉन्ग, हाँ मतलब मेरा मेरा गुरुजी बोल देते हैं, हाँ वी कैन गो रॉन्ग नेवर मार्केट, ओके मार्केट गलत नहीं हो सकता, हमारा एक्सपेक्टेशन था ये इधर से गिरना चाहिए था,
क्योंकि विद वॉल्यूम है नीचे करना चाहिए, अगर नहीं गिरना है एक कुल के बता देगा, समझ रहे हो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जी ये सर। ना मतलब इधर एक मतलब ये लेवल है, इसको थोड़ा था सही है। यस सर। जी सर। आपको मतलब इसने हमने क्या कैसे उठाया था स्टैक रैंकिंग से, सही है? जी सर। यस सर। आपको 3G पता है क्या? कल जी जी सर। यस सर। का स्ट्रक्चर क्या था निफ्टी में? निफ्टी में सर हायर हाई, हायर हाई था सर। हायर निफ्टी ऑटो में क्या था? निफ्टी ऑटो में भी सर हायर हाँ क्या था? हाई था। हायर हाई था जी। हायर आई था, सही है। लोअर ये बंदा क्या कर रहा है भाई, लोअर लो करके क्या लो है। होना चाहिए? हाँ ऊपर ऊपर ही झुका जाना चाहिए सर। चाहिए सर, समझ लो। हाँ जी सर। सर वैसे इसने ओपनिंग भी ब्रेकआउट करके ही दी थी तो ये ऊपर ही जाना था। मैं बोल रहा हूँ नाटक नहीं करेगा, ओके खुल जी के बता देगा अभी। सर, इसमें मेरे एक मैं देख रहा था इसको, तो निफ्टी क्या था ना, डे रेंज के अंदर आ गया था, और वो निफ्टी ऑटो भी आ गया था डे रेंज के अंदर, और ये डे लो पे ट्रेड हो रहा था। इस ओके केस में इसमें एंट्री लेना चाहिए जो डे लो पर। ओके, उसको बताएंगे ना सर, एंट्री का बात नहीं किया अभी तक। जी सर। ओके ये समझ में आ रहा ना, सर। अभी ये किधर खुलेगा क्या करेगा? अभी मॉर्निंग में, कल रात में ये पता नहीं था आपको, मतलब ये लोअर लो है, निफ्टी हायर रही है, इसका सेक्टर हायर रही है, जो स्टॉक नीचे गिरा है ये उठना चाहिए ऊपर, अगर स्ट्रांग ओपनिंग हुआ तो। सही है क्या? सही। जी ओके, यस सर। ये इसका कल लोअर लो था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भाई ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है, मानते हो क्या? जी सर। जी सर। ये इसका इंपॉर्टेंट, क्या इसका ओपनिंग स्ट्रांग है? स्ट्रांग जी सर। है जी। तो इसने ऑलरेडी हायर हाइक कर दिया ना, ओपन होते ही हायर हाइक कर दिया, ये जी सर। ऑलरेडी हायर हाइक कर दिया ना, ओपन होते ही हायर हाइक कर दिया ना। जी जी सर। अभी यस सर। हाँ मुझे बताओ सर, अगर हायर हाइक किया है एक, मान लो शायद आज टॉप बन चुका है, अभी लोअर लो कर सकता है, सही है? हायर जी हाइक बनना चाहिए, ये ओपन होते ही हायर हाइक बना दिया तो नया एक उससे भी ऊंची एक हाई बनाना मुश्किल का काम है, अभी लोअर लो कर सकता है, सही है? लेकिन जी सर। सही है सर। मेरे हिसाब से निफ्टी हायर आई है, सेक्टर हायर आई है, बाद में ये लोअर लो किया था, ये ऊपर जाना चाहिए, सही है? स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, स्ट्रॉन्ग जी सर। जी ओपनिंग। सर। ओपनिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, क्या मैं एक बाई ट्रेड ले सकता हूँ फंडामेंटली? सर एक क्वेश्चन। जी ये फर्स्ट कैंडल में इसने इसका इंपोर्टेंट कैंडल का मतलब ब्रेकआउट कर दिया था, वो वॉल्यूम भी हाई था, तो अपने बाइस के लिए सोच सकते हैं, खाली डाउट था। नहीं सर, आप करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करना क्या है वो पता है क्या? जी सर। निफ्टी हायर रही है, सेक्टर हायर रही है, ये लोअर लो किया था, अगर स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ मैं बाई ट्रेड कर सकता हूँ, ये करना है ना। दिस इज द साइंस दैट वी लर्न, राइट? दिस इज द साइंस इन द मार्केट, राइट? यस जी सर। करने के लिए आप सेल भी कर सकते हो, उसमें क्या क्या बड़ी बात है? हाँ कुछ भी कर सकते नहीं हैं। सर। मेरा क्वेश्चन यही है कि इसको इग्नोर करना चाहिए, मतलब इंपोर्टेंट कैंडल तोड़ दिया अपना, तो उसके बाद में बाय के लिए इग्नोर करना चाहिए, मतलब लेवल तो ऊपर खुला है, अपने सेल तो नहीं कर सकते हैं, तो इग्नोर करना चाहिए या फिर। नहीं 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 सर, निफ्टी कल के हाई के ऊपर, ये भी हायर हाई कर दिया ना, यस सर। होते ही हायर हाई कर दिया, हाँ सही सर। है? हाँ कर दिया सर। निफ्टी ऑटो लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, लेकिन ओपन इसके ऊपर हुआ कल, यस सही सर। है? हायर हाई किया है, जी सर। हायर हाई किया जी है, सर। निफ्टी भी हायर हाई किया है मॉर्निंग में। क्या ये मतलब मैं कल ड्राइंग करके दिखाया था ना, मतलब सब कुछ ये कर रहा है, ये दिस इज इन द इंपॉर्टेंट लेवल, ये जोन पे इसको तोड़ेगा, तोड़ेगा क्या भाई? मुश्किल नहीं है, नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा ना, सपोर्ट ऊपर एमएनएम जाएगा। है ना, यस ओके सर। भाई ये वाह लॉजिक तो यूज करना है। अभी क्या है, एमएनएम है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके ना, हमें पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कैंडल में एक रेंज बनाया था, उसके ऊपर नहीं जा पाया, नेक्स्ट डे इसने एक ऐसा रेंज बनाया ना, इसको उसने तोड़ा था, सही है? जी जी सर। कॉन्सेंट्रेट करना है, इधर कॉन्सेंट्रेट करना सर, गिरा यस सर। जी सर। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था
इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाएगा, ये इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं इधर से ही एंट्री लेता था, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका क्लोजिंग प्राइस है ना, इधर से जी मैं लेता था, वो अलग हो जाएगा, वी विल सी द दिस वन। ओके, इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ। ओके, नीचे गिरा, फट से पलटा, जी पलटा ना सर, सर जी सर सबका कॉन्सेंट्रेशन इधर है क्या? जी यस निशा, सर निशा, आर यू देयर मैडम, आर यू देयर? यस सर ओके ओके ओके, हैव यू शेयर्ड योर कॉन्टैक्ट्स विद प्रीति? उन्होंने तो कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। ओके, मैं नंबर एक्सचेंज कर लूंगी उससे। एक्सचेंज कर लो, मैं सोच, मैं पहले दिन ही बताया था ना, एक्सचेंज करके जो भी पूछना है पूछो बोल के। ठीक है, अभी ठीक, कर दूंगी। उनका फादर एक्सपायर हुआ है 2 दिन पहले, अभी थोड़ा ये है, आई थॉट यू आर इन कॉन्टेक्ट, हाउएवर नो नहीं प्रॉब्लम, नहीं आप अकेले हो अभी। ओके, मतलब उनको बोला कि भाई अभी नेक्स्ट 10 1 मंथ कुछ मत करो, वी विल स्टार्ट अगेन बोल के। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मतलब यू कैन शेयर द नंबर्स विद समबडी प्रोफेशनली, यू कैन वर्क ओके टुगेदर। जी, एनी हेल्प प्लीज कॉन्टेक्ट मी इन द इन द इन द अदर ग्रुप, देर आर सो मेनी अदर पीपल, यू कैन ज्वाइन देम ओके फॉर योर। ओके सर, ओके, ये वाला लेवल था ना सर, लेवल कुछ भी हो सकता है, यस ये सर वाला मिला है ना इधर। जी सर ओके, इसने टूटा अंदर घुसा, जी सर यस सर लेकिन ये यस लो सर वाला टाइल है, सही यस है ना? सर लो वाला, अभी क्या यस मेरा एक्सपेक्टेशन है भाई, ये लो नहीं टूटना चाहिए, सही है? मतलब यस सर ऐसे यस सर सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट है, अंदर घुसा है तो ये लो नहीं टूटेगा, इधर से एंट्री करूंगा, सही है ना? जी सर अरे ये भी हो सकता है, ये लो टूट के नीचे गिर जाता है, वो अलग बात है, देखेंगे। टूटा अंदर घुसा ना भाई, इसका मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यस सर अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूं, ये तो एक कैंडल बना दिया, अगर इसको स्ट्रक्चर में आना है तो इसको इधर इट शुड ब्रेक दिस हाई, नहीं तो ये लो को ब्रेक करना पड़ेगा। जी राइट आई एम सिटिंग हियर, सर मतलब ये लो है, मतलब ऊपर नहीं जाएगा वो, सही है ना भाई? जी सर जी सर अभी क्या करना है, मतलब जब मैं सोच रहा हूँ भाई ये लो नहीं टूटना है, मैं सोच रहा हूँ ये हाई टूटने के बाद, मतलब ये 2% मूव है, सही है ना? जी सर जी अभी क्या करना है? बता ना भाई, अभी क्या करना है? आपको एक्सपीरियंस है ना, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, आपने किसी से ट्रेनिंग लिया है, का है, सब कुछ किया है, करना क्या है सर? ओके, सर ये रेजिस्टेंस बनाएगा उसको सपोर्ट ब्रेक करते हुए चलेगा फिर ऊपर सपोर्ट नहीं तोड़ेगा सर जी नहीं, हाउ डू यू नो मैं सपोर्ट नहीं तोड़ेगा बोल के, मतलब वो दिखाता हूं मैं अभी, किसे नहीं तोड़ेगा बोल के, मैंने एंट्री किया था वो भी दिखाऊंगा। ये स्ट्रक्चर में आने तक मैं, मतलब कैसे, मतलब हाउ डू आई कम टू नो इट इज अ लो इट इज अ हाई बोल के? हायर हाई सर हायर हाई करेगा IRI इधर होगा, 2% है ना भाई? यस सर हाँ सर ये सारी लो वोलेटाइल कैंडल है सर उसके हिसाब से तो सर मुझे भी ये मतलब पहला पहला ही बड़ी कैंडल बन गया ना इसलिए समझ में थोड़ा कम आ रहा था मैं रेजिस्टेंस मार्क करके बैठा था कि कल का रेजिस्टेंस था तो वहां मतलब ऊपर नहीं जा रहा था ऐसा That is fine. वो रेजिस्टेंस ऐसा ही है, सर ये रेजिस्टेंस है, ठीक मेरा है जी, हाँ सर इधर मेरा एक क्वेश्चन है सर सर भी एक रेजिस्टेंस है। हाँ मैं हाँ सर सर मैंने स्टार्टिंग में निफ्टी का जो चार्ट देखा था सर वो ट्रेडिंग व्यू पे देखा था वॉल्यूम के लिए जब आपने बताया था कि जिग जैग ड्रॉ करो तो सर आप मैं किस सर में, इसको आई सॉ योर मैसेज, मैं आई सॉ योर मैसेज, आप किस में भी करो, आपको करना है क्या है, जी NSE वेबसाइट में जाके देखना है, वो हमारा बाइबल है। जी सर लेकिन सर मैं फिर बाद में इसको ट्रेडिंग व्यू पे बात कर रहा था सर यहाँ पे ना जो ये लास्ट में जो ये 9:45 के बाद कैंडल बनी है लंबी वीक वाली सर उसमें और इसके दोनों चार्ट में बहुत अंतर आ रहा था तो सर मेरा आज माइंड डिस्टर्ब हो गया था सर उस वजह से ये नहीं बोला हूं आपको, ये होता है बोल के, ये करते हैं जी लोग, सही है ना?
लोग मतलब ये दो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस है, ये हमारा पैसा खाने के लिए है। हाँ, जब हम लॉस कर रहे थे ना शुरुआत में 2019 में, 2018-2019 में, वो टाइम पे 20 टाइम्स 30 टाइम्स लिवरेज दे रहे थे। अभी क्या है, 5 टाइम्स देते हैं। हाँ, गुस्सा आता है नहीं आता है? ओके, लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट सर। उसको हमें देखो, सिर्फ एक चीजों के हमसे ट्रेड नहीं करते, उसमें और भी आर्टिफैक्ट्स है देखने के लिए, उधर जाएंगे सर। ये भी एक ब्रेकिंग सेट लेवल था ना सर, ये भी एक ब्रेकिंग सेट लेवल है ना। जी सर, ओके, ये सपोर्ट है, मतलब ये पता है ना आपको। यस सर, जी, अभी क्या है सर, मैं इसको हटा रहा हूं। अभी क्या होता है, ये जब तक ये स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। ओके, यस देखो, सर, गिरा अंदर घुसा, ये क्या करना चाहिए, हायर आई करना चाहिए। हायर आई जब इसके जी ऊपर आएगा तभी करेगा ना हायर आई, तो यस सर, नहीं है जी तो क्या करना है सर, बताओ ना। मैं इतना क्यों मतलब फोर्स लगा रहा हूं आपको, बताओ बताओ बोल के, मतलब इसको बोलना नहीं है आपको आगे। हाँ, क्या करना है सर, यू डोंट हैव 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का अंडरलाइन मिलता है आपको यस सर, बिल्कुल क्या? इसमें है ट्रेंड, इसमें भी वही चीज है यस सर, क्या? 1 मिनट का चार्ट है आपके पास? यस सर, आपको दिख रहा है क्या इधर कोई कुछ ट्रेंड बना रहा है? इधर लो 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 लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी, यस जी सर, सर, जी सर, आ रहा है जी ना? सर, लेवल को, यू यस ऑट सर, टू जी डू लाइक दिस। हाँ, डिड यू यस सर, अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? ये सर क्लियर हो यस गया। सर, ओके, इस चीज को हमको देखना है। नाउ क्या है, अभी 5 मिनट में आता हूं। अभी क्या है, अगर नीचे गिरा है अंदर घुसा है, अभी हायर आई करना चाहिए नहीं हो रहा है, तो आई विल हैव टू यूज द, मतलब ये तो मेरा सपोर्ट है, हिस्टोरिकल लेवल है, सही है? यस जी, ऐसे ट्रेड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई इधर एंट्री करके इधर स्टॉप लॉस लगा लो, देर इज अ 12 रुपीज का स्टॉप लॉस है, कर सकते हैं। ओके, कल भी मैं 13 रुपीज का स्टॉप लॉस में इसको किया था, आज 12 रुपीज है, नहीं करना है बोल के मैं वेट किया। ओके ओके, अभी क्या है, 3 मिनट्स में भी कुछ नहीं मिल रहा है, आई कैन फाइंड समथिंग इन 1 मिनट, राइट? उसमें ट्रेंड्स बन रहा है, सही है? यस सर, सुनो भाई, आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर है ना, ये सारा एंट्री मेथड से, एंट्री मेथड, एंट्री मेथड, हाँ, जी सर, ये आपका सपोर्ट जी है सर, ना सर? यस सर, जी जी, सर, सपोर्ट को इसने तोड़ा है, यस सर, जी, यस तोड़ने के बाद, सर, तोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई हायर आई किया कुछ नहीं, कि मतलब ये सारे लो वोलेटाइल बना के इधर तक ऊपर गया, सही है? आपका सपोर्ट यस किधर, सर, आपका सपोर्ट किधर है सर? 2800, इधर है ना, 2800, ये यस लेवल है सर, ना? ओके, नाउ ओके, ऊपर आया, सपोर्ट पे आना है ना इसको, यस सर, जी, जी इसको हिट किया क्या, इसने हायर है किया? देखो, नहीं कर, यू कैन एंटर हियर, यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस, एनीबडी कैन डू दिस। ओके, अगर आपने कोई ट्रेनिंग लिया है वो सारे यही बताया होगा, इधर एंट्री करो, इसका स्टॉप लॉस लगा लो बोल के, उसका आगे का बता रहा हूं मैं। हाँ, इधर देखो, इसने हिट किया, इसको हायर आई नहीं बनाया, सही है? इसका मतलब है ये जोन अभी यस कंफर्म नहीं कर रहा है आपको। ओके, ये टूट रहा जी, नीचे, जी जी सर, इधर टूट गया, ये हायर आई बनाया, यस सर, अभी तो पता नहीं कि भाई ये सपोर्ट है, इधर हिट यस किया सर, हायर आई नहीं बनाया, तोड़ा अंदर घुसा, बाद में हायर आई किया, सही है? जी सर, इसका मतलब है जी इधर तक लो बनाया था, सर, इधर हायर आई बनना शुरू हो गया ना, मतलब इसको हिट करते ही हायर आई, मतलब इसको नीचे आ गया, हायर आई करना शुरू कर दिया, यस सर, ऐसा नहीं है कि भाई हिट करते ही हाई राइ किया, नहीं है, उसके पहले नीचे गया, बाद में हाई राइ करना शुरू कर दिया, सही है? जी, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर एक बार इसको तोड़ा, इसको तोड़ा सर, मतलब हमें तो वेट कर रहे हैं भाई, ये स्टॉप लॉस है, अभी तक इधर से एंट्री करना है, ये लो को तोड़ा सर, जी जी, सर, लो को तोड़ा सर, इसका लेवल कितना है सर, व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द लेवल, बताना भाई, देख के बताना, लो क्या है? हाँ, 2800 सर, इधर देखना भाई, टू तो टू लग एट गया, डबल टू जीरो 8 00 है ना, 28, यस सर, जी, जी
2800 है। इधर देखो, इसने लो बनाया था, हायर आई बनाया था, इससे भी एक डीपर लो बनाया सर, यस सर, जी जी इससे सर, भी डीपर लो, यस सर, जी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 2800। इधर एक लोअर लो बनाया था, इससे भी नीचे एक लो बनाया, बनाया सर, जी 97 जी। बना रहा है तो अभी ये गिरना चाहिए क्यों? इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, इसका क्लोजिंग देखो 5 पैसे ऊपर है। ओके 2800.05, यस सही जी, है ना? यस जी, सर जी, मतलब क्या है, अगर गिरना है इधर से गिरना चाहिए था, मेरा लेवल ये वाला है, इसका मतलब है ये लेवल था ना मेरा सपोर्ट लेवल 2800। यस सर, इसने एक लोअर लो बना के, लोअर लो बना के इसने क्या किया, अंदर उसके ये हायर है कर दिया, इसका जी यस सर, मतलब है ये आपका एंट्री है, दिस इज द स्टॉप लॉस सर। ओके समझ रहे हो, 3 रुपीज में मिला था यस ट्रेंड सर, ये है। हाँ जी सर मेरे जी, पास तो 1 लाख है, अभी उसको बेचता हूँ बाद में, उसमें बहुत सारा ट्रेड्स है सर, मैं जो इस क्या है एक्सपायरी ट्रेड्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मिलना है 14,000 का प्रॉफिट किया है। हाँ जो लॉस हुआ है होता रहता है, एक्सपायरी ट्रेड्स है, मल्टीपल ट्रेड्स होगा अभी। हाँ समझ रहे हो ना, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर जी, यस पहले आपको हिस्टोरिकल लेवल को ढूंढना है, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। ओके मेरा ट्रेनी जो है श्री श्री राम फिन, क्या है वो, व्हाट इज दैट सर, क्या आज का टॉप गेनर है सर, आज का नाम है टॉप उसका, गेनर है हाँ सर, हाँ श्री राम फिन, क्या स्पेलिंग है भाई? एस एस एच हाँ आर आई, एस आर श्री, आई, फिर ये नाम पे, फिर बोला ना, ये है ना नहीं सर, हाँ सर जी, जी, मैं हिस्टोरिकल बात वो नहीं कुछ नहीं करता हूं मैं इधर। ओके एक्चुअली क्या है, ये प्रेडिक्टिव वॉल्यूम रिकॉर्ड है, मतलब इधर टूटा है तो दिस वाज द ब्रेकिंग साइड लेवल राइट, यस सर जी सर, अगर आप देखते हो तो दिस वाज द जी ब्रेकिंग साइड लेवल। मेरे साथ में ही वो किया था, वो कनाडा में एक यूट्यूब चैनल है सर, आपने सब्सक्राइब किया है क्या, क्या है बॉडी नहीं सर, क्या है, व्हाट इज द नेम, ट्रेड लूट बोल, ट्रेड लूट नहीं क्या, बिल्डर, ट्रेड बिल्डर, ट्रेड बिल्डर बोल के वो मतलब ही इज अ जिम कोच ओके हाँ उसका नाम रखा है, मैं बोला वो तू कर बोल के, क्योंकि वो एग्जैक्ट लेवल्स को पकड़ लेता है। मेरे साथ अभी 6 मंथ्स हो गया उसका, अभी एक पकड़ में आ गया है, मैं उसको बताया भाई लेवल्स बता दो बोल के, वो मतलब ट्रेड करके वो दिखाता है, वो ट्रेड किया है उस शायद वो देखो। हाँ हाँ अभी क्या है, ये लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ब्रेकिंग सेट लेवल है, जी इसने हायर ही किया था, इसको पार नहीं कर पाया था, सही है, यस सर आज जी, ऊपर जा सकता है। ओके मतलब हाइपोथेसिस पे नहीं जाऊंगा, मतलब दिस इज अ वीकली ब्रेकआउट स्टॉक है ये। ओके नाउ ये कल का हाई है क्या सर? यस सर, यस सर, मतलब ओके दिस इज द हाई, मतलब अगर मान लो इधर से ऊपर जाना है। ओके नाउ यू वांटेड टू बाय दिस, ओके नाउ अभी मुझे बताओ सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सपोर्ट है ना, जी 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 ये सपोर्ट है ना, सर, अभी क्या है, पहला कैंडल ने कुछ बनाया भाई, मतलब इसके ऊपर बनाना है, मतलब अगर जो भी अगर लो टूटेगा हाई टूटेगा तभी मैं ए ट्रेंड में आ जाएगा ना, दर, सही है क्या? यस सर जी सर जी सर, ब्रेकआउट ट्रेड में सर, नहीं तो क्या करना है मुझे, नहीं तो क्या करना है सर, लोअर टाइम फ्रेम में जाना है सर, दो टाइम फ्रेम है, पहला मैं जाऊंगा 3 मिनट्स में, क्या ट्रेंड में आया है, आंसर इज यस जी सर, सर, ये मेरा सपोर्ट है ना, यस सर जी सर ये मेरा सपोर्ट है, सही है। ओके नाउ जी, ये पहला कैंडल है, सेकंड कैंडल में इज देयर ब्रेकआउट सर, यस इज सर देयर ब्रेकआउट, ओके उसके बाद ये लो टूटने लगा, अगर जी, यस वॉल्यूम सर बढ़ेगा इसमें बाइंग हुआ है, सही है ना? यस, सी ये लेवल है ना मेरा, यस सर ओके इसको टूटने लगा ना सर, टूटने लगा अब ये लो वॉल्यूम्स पे, तो जी सर जी, दिख रहा है इधर नेक्स्ट कैंडल में हायर है बना दिया, यस सर
इसका मतलब क्या है? सपोर्ट है सपोर्ट मैम, बन सकता है, सपोर्ट सही है क्या? अगर जी सर। सपोर्ट बना सकता है तो ना ना, मतलब इसने इधर तक का लो बनाया था, सही है क्या? अगर जी सर, जी इतना सर, सारा अगर सपोर्ट है तो मतलब मुझे एंट्री करना है, मुझे स्टॉप लॉस तो इधर रख सकता हूं मैं, उधर एंट्री करके इधर स्टॉप लॉस, कौन पागल है इधर तक करने के लिए? हाँ 20 रुपीज का स्टॉप लॉस बड़ा नहीं। नहीं है ना? हाँ छोड़ो, मतलब ये लेवल है, ये मतलब ये है, मैं ये देख रहा हूँ भाई क्या किधर भी एंट्री कर सकता हूँ मैं। देखो भाई ये लो टूटने का इंतजार किया, जी किया ना सर, लो टूटा ना, जी जी हाँ जी सर, जी क्या होना चाहिए सर? मैं अभी अभी इसमें एक्चुअल बताया वर्क ना सपोर्ट को कैसे कंफर्म करें बोल के, जी जी सर, वो हायर हाई कर दिया बाद में टूट के। जी बाद में हर किया, ये जो कैंडल ने लो टूटा लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया ना, इसके नहीं कर ऊपर पाया क्लोज सर। नहीं जी कर सर, पाया, उसमें 2800 जी पॉइंट 5 पे ऊपर ऊपर क्लोज किया था, सही है सर, ना? ये नहीं कर पाया, हायर ही किया, सही है। लेकिन जी सर, उसके बाद मतलब ये लो है सर अभी तक का, जी सर, जी यस सर, ऊपर गया, इसको हिट किया सर, जी सर, हिट करने के बाद ये लेवल के ऊपर टूटा, ये लेवल के ऊपर देखो टूटा, इसके ऊपर टूटा, ये कैंडल भी ऊपर क्लोज नहीं किया, सही है ना? जी सर, जी एंट्री अभी कंफर्म नहीं है, अगर ये कैंडल ने हिट करके ये लेवल के ऊपर क्लोज दिया होता तो आई कुड हैव डन समथिंग, लेकिन ये कैंडल ने हायर ही किया, क्लोज यस सर, जी करके हायर ही किया ना सर, यस सर, समझ रहे हो? ये क्लोज किया, जी हायर ही किया, अभी तक का जो हाई था स्विंग का ये वाला था ना सर, जी सर, मतलब ये टूटने के बाद हाई ही रहता कौन था ना, ये लो टूटने के बाद, जी सर, इसलिए क्या है जी अभी सर, लोड भी टूटने वाला है, उसके पहले क्या ये स्विंग का हाई टूट गया? इसका यस सर, मतलब है ये स्टॉप लॉस है, वो आपका एंट्री है, क्लियर है? कोई जी सर, डाउट है क्या इसमें? अभी कोटक बैंक में दिखाता हूँ, कोटक बैंक में जी एक लेवल था, ओके वो 3P का जो भी लो है, लो है, ओके समझ सर, रहे ना? अभी क्या है मतलब इसको टूटा अंदर घुसा ना ये, अभी क्या है यू कैन एंटर हियर, देखो इसका है 22 है, एग्जैक्टली ये 22 पे आया है, इसका स्टॉप लॉस आके आप ट्रेड कर सकते हो, ओके okay? जी क्लियर है ना सर? सर, जब ऊपर जाते समय, जब ये ऊपर जाता समय आपको दिख रहा है इधर एक सपोर्ट बना है सर, मैं इसको हटा रहा हूं सर, आई एम डिलीटिंग दिस लेवल, इधर एक सपोर्ट बनाया ना सर, नहीं बनाया जी बनाया सर, ये सपोर्ट को, इसने स्टार्टेड ब्रेकिंग इधर वॉल्यूम्स जी पे लेकिन अंदर घुसा, सही है, इसने हायर ही नहीं किया, सही है जी जी कैसा? जी सर, इसका मतलब इधर तक का लो बनाया था, जी यस सर, जी ये कैंडल में वो लो को तोड़ा, जी तोड़ सर, के अंदर क्लोज हो गया, यस सर, जी स्टॉप इसका मतलब क्या है? दिस इज द स्टॉप लॉस, दैट इज द एंट्री, लॉस, समझ रहे हो? आई यस सर, विल शो यू वन मोर स्टॉक, मतलब व्हिच इज दैट सॉफ्ट स्टॉक मैन, किसी ने ट्रेड किया था उसमें, कौन सा स्टॉक है भाई, मॉर्निंग में शुरुआत में एक ट्रेड हुआ था, हाँ इंडसइंड, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, सही बोला सर, हिस्टोरिकल लेवल पे उस पर नहीं जाता मैं, ओके फाइन, ढूंढ आता है नहीं आता है आपको हिस्टोरिकल लेवल को, मान आता है सर, हाँ मिल जाएगा सर, जी लो किधर भी आपको मतलब वही एंट्री करना है आपको इसमें, ओके ये जी देखो, ये जब नीचे गिर रहा था इसमें वॉल्यूम,
ओके सर, ये तो वॉल्यूम इंक्लूड आएगा, इसका जी सर, मतलब है इसके ऊपर जाके हायर आई करना चाहिए, वो नहीं, आपको नहीं दिख रहा है, ये नहीं टूटा है क्या, ये टूटा है विद वॉल्यूम, तो जी लो सेम है, यू कैन कंसिडर एज ब्रोकन। ओके फाइन सर। जी सर, ओके इसके अंदर गया, उसके बाद हायर आई किया सर, जी यस इसका जी मतलब है अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इधर स्ट्रेंथ है, सही है क्या? जी मतलब ये लेवल पे हायर कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है। उसके बाद ये लो थोड़ा इधर तक थोड़ा सा, जी सर जी सर सही है ना? लो तोड़ने के बाद, यस जी इनफैक्ट इधर तक थोड़ा, ये इधर अंदर घुसा ना, जी सर जी यस इधर अंदर घुस के ये हायर कर रहे है क्या सर? सर हायर कर रहा है, सब यस सर जी लोग मिल गए क्या? सर दिख रहा है जी, ग्रीन कैंडल का लो सर जी। एंट्री, समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है? ओके हाँ सर, ऐसे बहुत सारे मेथड्स को हम वी विल लर्न। ओके दिस आर ऑल एंट्री। मैं आपसे क्वेश्चन है, क्या ये समझ में आ रहा है 3G? जी क्या ये सर 3P समझ में आ रहा है? जी क्या वीकली स्टॉक का जी जो करना है वो समझ में आ रहा है? जी समझ रहे हो क्या? जी सर जी आप सर प्रैक्टिस से नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? मैं जी सर एक्सपेरिमेंट में बैठा हूं, कोई कॉल करके निफ्टी को कैसे एनालाइज करे बोल पूछ रहा है एक बंदा। हाँ 11 o'clock में, हाँ एक्सपेरिमेंट है, क्या बताऊं? हाँ ले मार्केट में क्या बताऊं सर? कौन है, विश्वदीप नहीं है इधर क्लास में? यस अपने लाइव मार्केट के टाइम पे डाउट पूछते हो, अभी मुंह नहीं है आपके पास पूछने के लिए? हाँ नहीं सर, मेरे पास एक डाउट था। नहीं, अभी पूछ रहे हो, जब मैं पूछता हूँ तब। जैसे निफ्टी फिफ्टी ऊपर था सर, वीक के ऊपर। अभी देखेंगे, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। सर आपने ओके सर पैसा दिया है ना जी सर जी ट्रेनिंग, फालतू में नहीं कर रहे हो, सही है ना? सर आपके दिमाग में जो डाउट्स है उसको क्लियर ना, वो आपका काम है। मुझे जो पता है वो मुझे जो एक्सपीरियंस था, मुझे जो किधर क्या हो सकता है, मतलब गलती किधर, मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपको किधर गलती हो रहा है मुझे क्या पता है भाई? आप मुंह खोल के मुझे बताए ना आगे, मतलब अभी तो वी आर लर्निंग, यू जी सर जी सर हैव टू स्पीक आउट, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड आपका प्रॉब्लम्स। मैं जो प्रॉब्लम्स को फेस किया था उसको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, आपका प्रॉब्लम क्या है मुझे क्या पता है भाई? ओके आपका क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ओके लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक सर। ओके सर।